संत निरंकारी चॅरिटेबल फाउंडेशन द्वारा मिशनचे चौथे सद्गुरु बाबा हरदेव सिंहजी महाराज यांच्या 65व्या जयंतीनिमित्त शनिवारी सकाळी 8 ते 12 या वेळेत संपूर्ण भारत देशामधील 925 सरकारी रुग्णालय, 50 उद्यान, त्याचबरोबर शाळा, बस स्थानक स्वच्छ करण्यात आली. तसेच 1 लाख वृक्ष लावण्याची मोहीम देखील राबवण्यात आली. पुणे जिल्ह्याच्या विविध भागांतील 25 सरकारी रुग्णालय, 4 सार्वजनिक उद्यान, सुमारे 5000 स्वयंसेवकांनी स्वतः स्वच्छता दूत बनून स्वच्छ केली. ससून रुग्णालयामध्ये सरकारी रुग्णालयांच्या वार्डच्या बाहेरचे खुले क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र आणि इतर परिसर स्वच्छ केला. त्याचप्रमाणे चॅरिटेबल फाउंडेशनच्या स्वयंसेवकांनी पथनाट्याचं आयोजन करून लोकांसोबत संवाद साधून लोकांपर्यंत स्वच्छतेबद्दल जनजागृती केली. स्वच्छता अभियानादरम्यान ससून रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता मुरलीधर तांबे यांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना फाउंडेशनने रक्तदान व स्वच्छता अभियानमध्ये दिलेल्या योगदानाबद्दल गौरव करून पुढील कार्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. आज हे जो ससून हॉस्पिटल है, ये वेस्टर्न महाराष्ट्र यानी कि पश्चिम महाराष्ट्र के सबसे बड़ा हॉस्पिटल है. यहाँ 1500 बेड्स है. यहाँ मरीज बाहर के पुणे सिटी वैसे बाहर से भी यहाँ आते हैं. कोल्हापुर, सोलापुर, यहाँ से रत्नागिरी से, नासिक से, अहमदनगर से, तो यहाँ रोज़ कम से कम 5000 लोग आते हैं. उसमें 2500 तो पेशेंट्स रहते हैं और उनके साथ आने वाले उनके रिश्तेदार, रिलेटिव्स. तो यहाँ हमको स्वच्छता रखने में वगैरह जो चैलेंजेस रहते हैं, तो इतने जो दिक्कत होती है, तो आज हमारे यहाँ संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन उनके यहाँ से 500 वॉलंटियर्स वो आए हैं. तो वो पूरा कैंपस आज उन्होंने पूरी साफ़ सफाई वो कर रहे हैं. स्वच्छता अभियान में इनका बड़ा योगदान है. ये तीसरी बार हो रहा है ये ससून हॉस्पिटल में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से. और इतना ही नहीं, इन्होंने हमको ब्लड डोनेशन के इसमें भी बहुत मदद करते हैं. हर साल कम से कम 8000 से 10000 बॉटल रक्तदान इनसे हमको मिलती है. तो ससून की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन को. या अभियानात संत निरंकारी मिशनचे अनुयायी, सेवादल, संत निरंकारी चॅरिटेबल फाउंडेशनचे स्वयंसेवक उपस्थित होते. पुणे झोनचे प्रभारी ताराचंद करमचंदानी यांनी सर्व डॉक्टर्स, प्रशासकीय अधिकारी तसेच उपस्थित मान्यवरांचे आभार व्यक्त केले. सत्संगजी प्यार से कहना निरंकार, सत्संगजी आज सफाई अभियान का कार्यक्रम हो रहा है. ये पूरे भारत भर में ये प्रोग्राम हो रहा है और करीब करीब 765 हॉस्पिटलों में ये प्रोग्राम हो रहा है और पुणे में भी 26 जगह पर ये प्रोग्राम हो रहा है. 26 हॉस्पिटल्स में ये सफाई अभियान चल रहा है और सद्गुरु महाराज की हमारी 65वीं जयंती, 65 ईयर्स जयंती के उपलक्ष ये प्रोग्राम हो रहा है ससून हॉस्पिटल में. हमारे डीम साहब तांबे जी साथ में मिलकर हम सारे वॉलंटियर्स, सेवा दल के अधिकारी, सेवा दल, साथ संगत सभी मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं. जैसे कि सदगुरु सुदीक्षा माता जी का आदेश आया है, उस अनुसार ये कार्यक्रम हो रहा है. आज गुरु पूजा दिवस है. गुरु पूजा के दिवस ये प्रोग्राम अनेकों हॉस्पिटलों में हो रहा है और भारत भर में नहीं, विदेशों में भी ये प्रोग्राम हो रहा है. और हमें सिखाया गया है कि आपने हमेशा शहर को, गांव को, कस्बे को सुंदर रखना है, सफाई रखनी है. प्रदूषण अंदर का हो या बाहर का, दोनों ही हानिकारक है. तो इसके लिए ये सफाई अभियान हो रहा है और वृक्षोपण भी कार्यक्रम चल रहे हैं. काफ़ी जगहों पर ये प्रोग्राम हो रहे हैं. जो भी आदेश आता है दिल्ली से, उस अनुसार
ये गुरु के कहने के अनुसार ही प्रोग्राम हो रहे हैं। और यहाँ भी आज सासुन हॉस्पिटल में करीब करीब 600 महापुरुष आए हुए हैं, SNCF के वॉलंटियर, सेवा दल के अधिकारी और सेवा दल, साथ संगत और हमारे यहाँ के संयोजक महात्मा, मुखी महात्मा सब साथ में आए हुए ये कार्यक्रम में। सभी ने योगदान दिया है, दास उनका भी तहे दिल से आभार मानता है। और हमारे तांबे साहब भी जो हॉस्पिटल के इंचार्ज है, उन्होंने भी बड़ा सुंदर योगदान दिया है। और बस यही हम कामना करते हैं कि सब सफाई की तरफ ध्यान दें, सफाई अपने शहर में, अपने गांव में, जिस तरह घर को सुंदर रखते हैं उसी तरह हमने अपने शहर को भी साफ सुथरा रखना है, क्योंकि ये गुरु का आदेश है। इसीलिए हमने इस पर यश करना है और सफाई अभियान में कार्य में पूरा योगदान देना है। सात संगत जी, प्यार से कहना।